hey everyone how are you all welcome back to the Certivates and today in this video we are going to continue with the same topic transformation of sentences we were doing affirmative to negative and vice versa so the next part uh, you can see we are having is changing only with none but only if you are getting in a sentence the positive affirmative sentence can the i ओनली वर्ड मिलता है ओनली द ब्रेव डिजर्व दर्ड सपोज द आपको एक अफर्मेटिव सेंटेंस मिला है और एग्जाम में पूछा गया है कि आपको इसको नेगेटिव में चेंज करना है अब आप इसमें नॉट या नो का यूज करना चाहें तो नहीं हो पाएगा इसका एक पैटर्न होता है जब आप इसको नेगेटिव में चेंज करते हो आपको सिंपली क्या करना है इस ओनली को नन से रिप्लेस करना है ओके okay? सो so, अब हम यहां लिखेंगे नन बट ओके तो ओनली को हम रिप्लेस करने वाले नन बट से नॉट जस्ट नन नन के साथ बट भी यूज करना नन बट द द ब्रेव वॉर ठीक है कहीं और कोई चेंजेस नहीं करना इट्स सो सिंपल आपको सिर्फ ओनली के प्लेस पे नन बट लिखना है या फिर नेगेटिव सेंटेंस दिया है और आपको अपॉर्मेटिव पूछा है तो नन बट के प्लेस पे ओनली लिखना है नन बट द वेर न्योस वेयर द शू पिंचेस ओके आपको क्या करना है ओनली शू पंच okay? और चेंजेस नहीं मिला है नन बट को आपने ओनली में किया और ओनली को आपने नन बट में किया सेम सेंटेंस नन बट द्रेव डिजर्स यू कैन से ओनली द ब्रेव डिजर्स दर्ड तो ये बना नेगेटिव से अफोमेटिव एंड सेम नेटिव टू अफर्मेटिव टू नेगेटिव तो मेरे ख्याल से काफी ईजी है Um, कुछ प्रैक्टिस मैंने आपके लिए यहाँ पे रखी है आपको इनको वॉइस चेंज करना है नन बट ही न्यू द ट्रूथ आपको इसे ये एक नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर नन यूज हुआ है आपको इसे अपॉर्मेटिव आप में चेंज करना है और ये भी नेगेटिव सेंटेंस है जिसे आप अफॉर्मेटिव में चूज करोगे द सेम हियर एंड टू ओनली अ मैड मैन वुड स्विम अगेंस्ट द स्ट्रीमिस्ट जूली हर्ड हिम तो जरूरी नहीं है कि आपको ये ओनली एन अनबर्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही मिले आपको कहीं और जगह भी मिल सकते हैं देख सकते हो आप दैट ओनली जूली हर्ड हिम तो एक दूसरा क्लाउज है आप चूज करोगे और इसको और योर नोट बुक एंड इफ इट इज पॉसिबल एंड यू है कॉमेंट बॉक्स ऑल्सो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस Short video. Goodbye.